अपने एक में एक सावधानी यह भी रखनी है कि हम लोग मान लो अपनो दिन भर को 25 किलो या 50 किलो बीज बोनो, उतो ही अपनो उपचारित कर रखना है। अगर अपने कल फिर बोनो है तो कल फिर उपचारित कर लो, खावल 10 मिनट लगे हैं मैं, है तो अपने ज़्यादा बीज उपचारित कर ही नहीं रखना। मान लो आज 50 किलो बोनो है तो 50 किलो उपचारित कर लो, और उपचारण करने के बाद में इसे अपने छाँव में ही रखना, क्योंकि ये सब जीवाणु अगर धूप में रखे दिया तो वैसे ही मर जाएगा, तो कोई अपना फायदा होने आड़ो नहीं उपचारित करने से, है ना। तो जो उपचारित करने के बाद में जो अपना खोड़ा में बीज आए वो ले गया, और बाकी बीज अपने छाँव में ही छोड़ना है ना, धूप में नहीं रखना। और ध्यान रखना कि अपने 50 किलो बोनो तो 50 किलो उपचारित करो, 25 किलो बोनो तो अपने 25 किलो उपचारित करना है ना। ज़्यादा बीज उपचारित कर लेंगे तो वो बीज कहीं है कि मान लो अपना गाँव जैसी चीज़ है, अब ये खाने में भी आए, अपन ने मान लो ज़्यादा उपचारित कर लियो तो ये तो खराब हो जाएगा ना, फिर खाने में नहीं आएगा ये। तो किसान के लगे कि मारे 25 किलो उपचारित करना तो 25 ही किलो करना चाहिए, और 30 किलो करना तो 30 किलो ही करना चाहिए, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है, अगर बची जाएगा तो फिर खाने के लिए उपयोग नहीं होएगा। यो जो अपनो एजोटोबैक्टर है और यो जो PSB है, यो कही है कि बहुत सस्ता है, 5 रुपये में किसान के आसान से उपलब्ध हो जाए, और इसे अपन ने इकाली उपचारित करियो कि अपना जो खेत में जो खाद पड़ो रहे से नाइट्रोजन या यूरिया खाद है, अपन खाद डाला कुछ तो पौधा के लग ही जाए और कुछ अपनों खेत में ही पड़ो रहे, उसी तरह से सिंगल सुपर फास्फेट है या सुपर खाद अपन कवा है ना, वो खाद भी कुछ तो पौधा के लग ही जाए और कुछ खेत में पड़ो रहे, तो वो ऐसा ही पड़ो रहे, वो पौधा के उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये दो ही जो है एजोटोबैक्टर और जो PSB है, इनको काम ये हो कि जो खाद पड़ो है ना खेत में, ये जीवाणु है, ये जीवाणु ना खाद के पौधा के लिए उपलब्ध कराए,